आज का टॉपिक है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, कुछ डॉग से हटकर है। आज मैं आपको बेस्ट पेंस बताने वाला हूँ 160 रुपीज़। लेकिन लेकिन एक बोनस के तौर पे, बोनस की तरह आपको एक पेन एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको 80 या 90 रुपीज़ का मिल जाएगा। 80 का ही मिलेगा वैसे तो, पर जिस टाइम में आया था उस टाइम इसकी काफ़ी डिमांड थी और महंगा भी था। तो अब शुरू करते हैं हम। इसमें 5 रुपये का पेन है, 10 का है, 20 का है, 30 का भी है, 40 मैक्सिमम जो प्राइस है वो 60 है इसमें, जो नॉर्मल मेरे पेन है। लेकिन जो आपको बोनस वाला बताऊंगा वो 80 का मिल जाएगा आपको, या 70 का मिल सकता है। अब इसका प्राइस काफ़ी डाउन हो चुका है क्योंकि ये बिकना कम हो गया था पीछे। तो अब हम वीडियो मतलब आपको पेन दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए जो पहला पेन है वो रहने वाला है 5 रुपीज़ में, रोरिटो फास्टी। तो ये एक जेल पेन है, सारे आपको या तो जेल मिलेंगे या रोलर, ठीक है ना। तो ये वैसे स्कूल गोइंग जो है उनके लिए है स्पेशल, क्योंकि हमें जेल पेन ही चाहिए होते हैं तो उसके लिए। तो ये है रोरिटो फास्टी, इसको आप देख सकते हैं, नॉर्मल पेन है कितना ही दिखता है ये 5 रुपये में, और लेकिन चलता बहुत अच्छा है ये, और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, जो चलने में है, डार्क भी नहीं है इतना और लाइट भी नहीं है, बढ़िया है। तो आप कमेंट कर सकते हैं किसको ये पेन बढ़िया लगता है, किसको नहीं लगता वो भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो जो हमारा वो सेकंड पेन है वो भी 5 रुपीज़ में है, जिसका नाम है कहाँ गया, एरो सेलो का एरो, ये मेरा थोड़ा यूज़ किया हुआ है। तो ये भी ठीक ही चलता है, इतना बेकार नहीं है, लेकिन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये पेपर्स में बहुत बढ़िया चलता है, और मेरे को ठीक भी लगता है। बेकार तो कोई पेन नहीं होता, आपको यूज़ ही करने होते हैं सारे पेन, एक दिन तो ख़त्म होना ही है हर एक पेन ने। तो ये है, ये पेन उसी की तरह दिखता है, बस थोड़ा अलग है, नाम अलग है, रेट सेम है। तो जो अगला पेन है वो लोग कई लोगों का फेवरेट होगा, इसका नाम है यूनिबॉल एयर, मेड इन जापान। ये भी बहुत अच्छा चलता है यार, पर मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगता ये। तो इसकी सिर्फ बॉडी अच्छी है, ये यूज़ एंड थ्रो है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा तो बेकार ही लगता है, मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ पेन है, ये आप पेपर में ना यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया है। ये मैंने आपको वैसे दिखाया, मेरी बहन को ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी लोग हो गए जिनको ये बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन चलो अब जो हमारा नेक्स्ट पेन आ रहा है वो भी मेरा काफ़ी फेवरेट पेन है। ये मेरे को मिला था 50-45 का मिल जाएगा ये आज के उसमें आपको। अगला पेन है 10 रुपीज़ में, मैंने गलती से आपको थोड़ा महंगा पेन पहले दिखा दिया, 10 रुपीज़ में पेंटोनिक जो जेल पेन है, ये देखिए 0.6 का, ये काफ़ी अच्छा चलता है और रेट भी काफ़ी बढ़िया है इसका। ये काफ़ी डार्क भी है, और जितने ये पेन है इनके हिसाब से काफ़ी डार्क है, ठीक है ना जी। तो देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बढ़िया चलता है। इसकी बॉडी भी, मेरे को बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, देखने में थोड़ा अलग सा लगता है, पेंटोनिक नाम है। तो आप अभी किसी भी शॉप पे पूछेंगे तो ये कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो जो नेक्स्ट पेन है वो होगा आपके पास 30-45 में, जिसका नाम है ये जोटेक जेल। ये मतलब ये भी उसका रोरिटो का ही है, ये मैंने काफ़ी चलाया है, बढ़िया भी है, ये देखिए काफ़ी स्मूथ है, मतलब जिसको कहते हैं ना स्मूथ, वो है ये। तो आप देख ही सकते हैं इसको कितना बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी फास्ट भी है, और ऊपर से एक क्लिक वाला पेन है, अगर आपका कोई फ्रेंड लेता है तो कोई मतलब पता नहीं है कि वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर कैप वाला हो तो उसका पता चल जाएगा, अगर कैप रखते हो तो वापस पेन ज़रूर आएगा ही आएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं पता आएगा नहीं आएगा। चलो मजाक बहुत हो गया, नेक्स्ट पेन पे चलते हैं। ये देखिए इसकी बॉडी देख लीजिए एक बार, काफ़ी ये काफ़ी अलग कलर्स में भी आता है, ये ज़्यादा ब्लू कलर में मिलेगा आपको कहीं पे भी, मैं ब्राउन लेके आया था थोड़ा अलग।
सो जो नेक्स्ट पेन है वो भी 40 to 50 की रेंज में ही है थोड़ा। ये भी क्लिकिंग वाला ही पेन है जिसका नाम ये है पायलट का BP1 RT। देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए, ओहो सॉरी दिखेगा नहीं आपको शायद अच्छी तरह। हाँ ये अब दिख रहा है, मेड इन जापान। काफ़ी बढ़िया चलता है ये पेन भी, इतना बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा ये लाइट है, बाकी पेन्स जितने भी हैं यहाँ पे उनसे थोड़ा सा लाइट है ये, देख सकते हैं आप। बॉडी काफ़ी अच्छी है, कलर अच्छा है। तो जो अब नेक्स्ट पेन है वो मतलब मैक्सिमम लोगों का फेवरेट होगा, मैक्सिमम लोग उसको चला रहे होंगे या चलाते थे या चला रहे हैं, और शायद आप लोगों में से कईयों को तो पता भी चल गया हो। वो 40 to 45 50 की रेंज में था, काफ़ी बार इसका नाम भी चेंज हुआ, तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा मैं कौन से पेन की बात कर रहा हूँ। इसका नाम है ट्राईमैक्स। ये मैक बहुत से मतलब जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम का ही फेवरेट होगा, यार होना भी चाहिए, बढ़िया भी है, रिफिलेबल है, ऊपर से इसकी रिफ़िल मिल जाती है, ये पूरी मिल जाती है आगे से, है ना। तो हो गई, ये देख सकते हैं ये अभी पूरा ही फुल है, ये देखिए, पर ये थोड़ा लाइट है ठीक है ना। लेकिन जितने भी जेल पेन रोलर बॉल हैं जितने भी हैं ये, वो अगर आप पानी से थोड़ा धोते हो उसको ठीक है ना, हाथ धोते हो अपने हाथ पे चल जाता है तो वो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं होता। ये मैंने ट्राई किया हुआ इसलिए आपको बता दिया, ये है रिनॉल्ड्स का, देख सकते हैं आप ठीक है ना, इसका कलर देख सकते हैं कितना सही है, मेरे को तो बहुत, मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पेन है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक कर दीजिए, 4 पेन रह गए हैं सिर्फ आज के, तो बढ़िया लगे होंगे शायद आपको ये पेन। नहीं हाँ 3 रह गए हैं, सॉरी मैंने आपको 4 बोल दिया। एक मिनट रुकिए अभी दिखाते हैं हम आपको, यार मैं तो काउंटिंग भूल गया, 1 2 3 7 7 पेन हो चुके हैं, अब हम 8th पे जा रहे हैं। 8th काफ़ी नया पेन है जो है ये, मतलब मेरे को भी, मैंने भी शॉप पे देखा तो मैंने लिया था, और जब मैंने चलाया तो काफ़ी अच्छा इसका कलर भी है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए पेरिकार्डिन, काफ़ी अच्छा नाम है पेरिकार्डिन का पेन मार्केट में, तो ये इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं कितना सही है, डिज़ाइन की वजह से कुछ लिया था मैंने, और ऊपर से नाम, तो नाम ही काफ़ी है पेरिकार्डिन का, तो सबको ही पता होगा यहाँ पर, मैं जितने जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने हमारे फैमिली के मेम्बर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको, उनको मैक्सिमम को पता ही होगा पेरिकार्डिन का। तो अब चला के देखते हैं इसको कैसा चलेगा, बढ़िया है जी, डार्क भी है बढ़िया भी है, थोड़ा नीचे या ऊपर दिखा देता हूँ आपको करके, मिक्स हो जाएगा ना फिर तो। ये देखिए, देख ही सकते हैं आप कितना बढ़िया चल रहा है, काफ़ी बढ़िया पेन है और रीजनेबल प्राइस है इसका, 40 रुपीज़, 40 या 30 का लिया था मैंने, मेरे को प्राइस याद नहीं रहा है इसका सॉरी, बाकी 40 to 30 to 40 में ही है, ज़्यादा 45 को का, यस मैंने 45 का लिया था, ये 50 MRP था शायद इसका। तो आप बताइएगा मेरे को ये पेन कैसा लगा आपको, ये है वो पेन पेरिकार्डिन, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए अगले आपको जल्दी जल्दी अगले पेंस दिखा देते हैं, ये वाला एक, ये 2025 का पेन मिल जाएगा आपको ही कहीं पे भी, सेलो का जेल टेक क्विक ड्राई, ड्राई है शायद ये, देख लेते हैं एक बार, क्विक ड्राई,
तो काफ़ी अच्छा पेन है। मैंने पेपर्स में जो वो लास्ट पेपर्स हुए थे मेरे इससे पहले, मतलब फाइनल्स थे जो मेरे 9th के, मैंने उनमें ये यूज़ करा था। बहुत बढ़िया पेन है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छा चल रहा था ये, काफ़ी अच्छा मेरी स्पीड थी, मेरे काफ़ी बढ़िया पेपर्स हुए थे। तो सेलो का पेन है ये, लुक भी देखिए कितनी बढ़िया है इसकी। और सो नेक्स्ट पेन है ये मैं पूरा पैक लेके आया था इनका, तो अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या है ना, ये 30-40 रुपीज़ का एक पेन है। मेरे को पूरा पूरा जो पैक पड़ा, एक पेंसिल भी है इसमें, वो पड़ा 120 का एक इसके अंदर। ये देखिए एक पेंसिल भी है यहाँ पे। तो ये पेन है, काफ़ी बढ़िया पेन है, काफ़ी अच्छी लुक है। जर्मनी जर्मनी टेक्नोलॉजी हॉजर का पेन है। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया पेन है ये, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पेपर में भी यूज़ करा था इसको, काफ़ी अच्छा पेन है। तो अगर आप लेना चाहेंगे ये कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। हॉजर का पेन है आखिर, हॉजर वैसे मेरे को ब्रांड इतना अच्छा नहीं लगता। इसके जो 10 वाले पेन आते हैं वो मैंने एक बार यूज़ करा था, उसके बाद यूज़ नहीं करा, लेकिन ये जो पेन है ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा था हॉजर का। तो नेक्स्ट जो आपको बोनस वाला था वो है ये है जेट स्ट्रीम, इसका नाम दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, ये इस तरीके से है ना थोड़ा। सो यार ये भी, ये देखिए अबे यार थोड़ी दूर करते हैं, चलो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये 1.0 का पेन है, 0 लगा लो, यूनी यूनी बॉल्ट उसका ही है। तो यार ये भी बहुत बढ़िया चलता है, ये बॉल की उसमें चलता है थोड़ा, लेकिन ना बॉल टाइप लगता है जब इससे काम करते हैं हम, लेकिन बहुत ही बढ़िया पेन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। सो यार आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो का ज़्यादा लंबी ना करते हुए, पहले काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस वीडियो को पूरा देखा होगा जिन्होंने, उनको थैंक यू, और ये बोनस पता ही चल गया होगा उनको क्या है। तो थैंक यू ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर ही देना, और घंटा आएगा ना जो उसको भी दबाना, और शेयर तो कर ही दोगे पता है मुझे। थैंक